समस्या है सर कि एक खनन का मामला है, लोग 20 फीट गड्ढा बना दिए जिसमें सारी जमीन हमारी गिर रही है। सर हम आए हैं लक्ष्मणपुर से, ग्राम सभा लक्ष्मणपुर, थाना नरही अंतर्गत। तो महन जी, आज आप AIMIM के बहरी स्थित कार्यालय में आए हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या है सर कि एक खनन का मामला है, जमीन खनन का। जो लोग खनन माफियाओं ने इस जमीन को लगातार खन रहे हैं, लोग 20 फीट गड्ढा बना दिए जिसमें सारी जमीन हमारी गिर रही है। और ये जो सरकार फिलहाल चल रही है, सारे जगह दौड़ लिए हैं, कहीं से हमको सुनने में आया कि ये पार्टी हमारी जो है गरीब और दलितों के साथ खड़ी रहती है। कौन पार्टी? कौन पार्टी? ओबीसी वाली सर, ओबीसी की पार्टी। अच्छा, क्योंकि आप तो भगवा हुआ पहने हुए हैं, आपको तो योगी जी भी न्याय दे सकते हैं, क्या योगी से न्याय नहीं मिल रहा है सर? जी नहीं मिल रहा है, तभी ना आए हैं। अच्छा, तो ये समीम बाबू जो प्रदेश संयुक्त सचिव है पार्टी के, इनसे सर जी आप कैसे मिले, कैसे आपका परिचय है? सर जी समीम भाई से परिचय हमारा बहेरी से ही है। अच्छा अच्छा, और 8-10 साल से लगाओ है। तो आपको लगता है कि जो ओबीसी साहब की पार्टी है AIMIM, वो आपको इंसाफ दिलाएगी? जरूर दिलाएगी, हमारे साथ रहेगी। प्रदेश संयुक्त सचिव होने के नाते शिवम जी अपने आपके कंधों पर बहुत एक जिम्मेदारी भी है, और जैसा कि महंत जी ने आप पर भरोसा जताया है, आपकी पार्टी पर भरोसा जताया है कि महंत जी को आपकी पार्टी ही न्याय दिला सकती है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता रहा है, आज बहुत ही दुख हो रहा है देख के कि जिनको इंसाफ दिलाने की बात और दम भरती थी सरकार, आज महंत जी की आंखों में आंसू हैं, आज ये पीड़ित हैं, थाने पर इनको न्याय नहीं मिल रहा है। जो खनन माफिया हैं, इनकी भूमि को 20-20 फीट तक गड्ढे खोद रहे हैं, और महंत जी के गांव की कई गायें जो हैं उसमें गिर के किसी का सर टूट फूट गया, किसी के सींग टूट गए, किसी का हाथ पैर टूट गया उनका। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों के साथ, जो संत महात्माओं के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है, ये सरकार किस तरह की चल रही है, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आखिर उत्तर प्रदेश में कौन सा राज चल रहा है? आखिर इंसाफ देने वाली, दम भरने वाली ये सरकार आज कहाँ है, कहाँ सो रही है? लेकिन आज महंत जी ने जो हम लोगों पर भरोसा जताया है, वो इस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को उन्होंने देखा है कि आज उनके लोग इंसाफ के लड़ रहे हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो महंत जी आपके पास आए हैं, तो आंदोलन की क्या रूपरेखा आपने तैयार की है अभी तक? आज इन्होंने बताया है अपनी बात, हमने कहा है कि आप जिलाधिकारी महोदय से आप मिल लीजिए, अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, आपके साथ इंसाफ नहीं होता है, तो हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी और सड़क पर उतरकर इनकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने का काम करेगी।